यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां पर यूपी में 16 आईएएस का तबादला किया गया है। साथ ही आपको बता दें, राधा चौहान की प्रति नियुक्ति एक साल तक बढ़ गई है और 16 आईएएस जो है उनका तबादला कर दिया गया है। यूपी के देवेश चतुर्वेदी कृषि में संयुक्त सचिव बन गए हैं और राज्यपाल की प्रमुख सचिव को केंद्रीय बना दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर 16 आईएएस का तबादला कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में 16 आईएएस का तबादला किया गया है। राधा चौहान की प्रति नियुक्ति एक साल तक के लिए बढ़ गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, इन तबादलों को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, किसे कौन सा आभार मिला है और साथ ही आईएएस कितने आईएएस का तबादला किया जा चुका है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह से फिट करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 आईएएस का तबादला कर दिया। इसमें कुछ आईएएस को उत्तर प्रदेश से केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, जहां उनको करीब 5 साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर रहना है। अगर किसी कारणवश उनको उत्तर प्रदेश कैडर में फिर आना पड़ता है तो उसके लिए उनको अचानक बुलाया जाएगा। इसमें 16 आईएएस के तबादले में राधा चौहान की प्रतिनियुक्ति एक साल के लिए और बढ़ा दी है। पहले से 5 साल के प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में चल रहे थे यूपी देवेश चौधरी थे, वो कृषि संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। राज्यपाल की जो सचिव हुआ करती थी ज्योतिका पाटारकर, उनको भी केंद्र में डीजी बनाकर भेज दिया गया है। समीर शर्मा भी उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी के सचिव हुआ करते थे, इनको कारपोरेशन मंत्रालय में भेज दिया गया। सैफाली सहवाग उपभोक्ता फोरम मंत्रालय में हुआ करती, इनको यहाँ का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। एस एन शाह ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है। राकेश गुप्ता यूपीएससी में सचिव बने हुए हैं। राकेश भट्ट और माला रक्षित सचिव कुमार को भी इनके कामकाज में फेरबदल किया है। जैसे श्रीनिवास राव, राकेश सरवल, अंजलि भवारा और संजय मूर्ति आईएएस, इनके में भी कामकाज में फेरबदल किया गया। यानी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने अब विभागीय कार्य काम को भी फिट करने के लिए और मंत्रालय में जिन कामों की कार्यशैली ठीक नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनके द्वारा जनता तक पहुंचाए जाने वाली योजनाओं का कामकाज संतोषजनक नहीं है। क्या मंशा नजर आती है इसके पीछे? योगी सरकार की इतने तबादले कर दिए गए, क्या मंशा योगी सरकार की इसके पीछे नजर आती है? आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी अधिकारी जहां भी कमान संभाल रहे थे, वो कुछ तो अधिकारी पूर्ववर्ती सरकारों से ही अभी तक डटे हुए थे। नंबर दो था कि उसमें जो तबादले हुए थे वो केंद्र सरकार के इशारे पर किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के इशारे पर किए गए थे। योगी आदित्यनाथ अभी तक उससे बहुत ही ज्यादा कोई भी अड़ंगा नहीं लगा रहे थे और किसी के भी इशारे पर, मानी यानी हाई कमान से अगर कोई इशारा मिलता था तो उस अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली है, उसकी जो परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी है, जवाबदेही अब मुख्यमंत्री की बनने लगी है। तो मुख्यमंत्री ने अब अपने स्तर से भी यह फैसला किया है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले किसी भी घटना का, किसी भी काम के विकास की परफॉर्मेंस का, किसी भी योजना को पूरी तरह से धरातल को उतारने की जिम्मेदारी जब मुख्यमंत्री के सिर मढ़ दी जाती है, तो ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होने चाहिए जिनकी जिम्मेदारी वो खुद तय करें और उनकी अपने हिसाब से नियुक्ति करके उनको वहां पर लगा सके, ताकि उनसे कामकाज का रिजल्ट उस तरह से लिया जा सके जिस तरह से उनके सिर पर जिम्मेदारी थोपी जाती है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है, योजनाओं को धरातल पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, किसी भी योजना को समयबद्ध तरीके से सफल बनाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी योजना की गुणवत्ता परक काम को पूरा कराना और आम जनता तक आखिरी छोर पर खड़ा हुआ जो पब्लिक है उस तक उस योजना का लाभ पहुंचना मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ता है। तो अब लिहाज से उन्होंने अधिकारियों का फेरबदल करना शुरू कर दिया है, ताकि अपने मन मुताबिक अधिकारियों को लगाकर और पब्लिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सके और सरकार की परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सके। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है हर अपराध को लेकर, हर घटना को लेकर उन्हें जवाबदेही देनी होती है, जिसके चलते अब ये तबादले कर दिए गए हैं ताकि अपने भरोसेमंद लोगों को वो आईएएस के जगह दी जा सके, जिसके बाद जवाबदेही देने में उन्हें आसानी हो।